स्पीड, दूसरा क्या लिखेंगे स्पीड और वेलोसिटी लिखेगा। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, पहले हम सीखेंगे वेलोसिटी। क्या सीखेंगे वेलोसिटी या स्पीड, पहला देखते हैं हम, फर्स्ट देखेंगे स्पीड। स्पीड स्पीड इक्वल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड तो स्पीड को देखिएगा हम लोग डिनोट करेंगे, यानी कि एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं लोग। क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। बड़े पैमाने की बात होगी, बड़े लेवल की बात होगी, तो जनरल लोग क्या बोलेंगे, एवरेज। राइट, तो देखिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, बी ए बी जी, बी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस। सपोज करिए एस अपॉन मैंने क्या लिख दिया, टी लिखा। यूनिट क्या लिखेंगे लोग, मीटर पर सेकेंड। क्या गया, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो एवरेज स्पीड का सिंपल से एक ही तो फार्मूला है यार, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम एक ही फार्मूला। देखिए इसके यूजेस कैसे हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर दें, प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम में देखिएगा, लिखिएगा इसको अच्छे से। एवरेज एस अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिला अपने को, एवरेज स्पीड। अब स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर की बात करें तो स्पीड अपना स्केलर क्वांटिटी होगी। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस इनवर्स, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सारे फंडे डिस्टेंस की ही यूज करेंगे इसमें। तो चलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम्स क्या कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसमें, कॉन्सेप्ट राइट। फर्स्ट केस देखते हैं इसमें, केस फर्स्ट राइट। इफ अ पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल ट्रेवल डिस्टेंसेस, ट्रेवल डिस्टेंसेस एस वन एस टू डन एस एन विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड बी वन कॉमा बी टू डाटा करके बी एन, देन एवरेज स्पीड क्या निकालेंगे, देन एवरेज स्पीड। चलिए देखिए क्या, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस एस वन एस टू एस थ्री डॉटर एस एन विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड बी वन बी टू बी थ्री डॉटर बी एन, देन फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एक ही तो फार्मूला होता है, क्या होगा, एवरेज स्पीड यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या लिखा गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक बात लिखेगा, एक एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक बात लिखेगा इसको, इधर इरेज करता हूं मैं, समझिएगा इसको अच्छे से। देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस में लिखेंगे एस वन, देखिए पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस है, जैसे कई सेगमेंट ट्रेवल कर एस वन एंड एस टू एंड एस थ्री दैट आर एस एन, सब में उनकी स्पीड क्या अलग अलग, डिफरेंट टाइप क्या अपना स्पीड, इसमें अलग स्पीड से ट्रेवल किया, इसमें अलग स्पीड से, वो तो गिवन हुआ। तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या फाइंड करेंगे, एस वन प्लस एस टू डाटा डाटा क्या लिखेंगे एस एन, ये तो टोटल डिस्टेंस मालूम हो गया। टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या लिखेंगे टी वन प्लस टी टू डाटा डाटा टी एन। बट एक बार देखिए मजे की बात क्या, टाइम नहीं दिख रहे, टाइम जिक्र ही नहीं किया पूरी प्रॉब्लम में, टाइम का कहीं जिक्र ही नहीं किया कि इसमें कितना टाइम टेकन किया, टाइम टेकन किया। बट एक बात तो बोला कि डिस्टेंस इतना फिर स्पीड इतना, तो इजीली हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है, एस बाई टी इक्वल टू बी, तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एस बाई बी, इस फार्मूले का यूज करके निकालिए।
तो देखिए फर्स्ट सेगमेंट में यानी फर्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस है एस वन, एस वन में कितना टाइम दिया हुआ है हम लोग लिख सकते हैं एस वन अपॉन बी वन प्लस क्या लिखेंगे एस टू अपॉन बी टू डन 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 एस एन अपॉन बी एन। चलिए क्या मिला हम लोग को टोटल डिस्टेंस भी मिला टोटल टाइम मिला। आइए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एवरेज लिखा जा सकता है बी एवरेज इक्वल टू S1 plus S2 dot 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 Sn upon S1 upon B1 plus S2 upon B2 dot 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 Sn upon Bn। देखिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला हमको मिल गया। अब देखिए अगर हम लोग सिग्मा नोटेशन का भी यूज करेंगे सिग्मा नोटेशन तो क्या लिखेंगे सिग्मा I going from 1 to n तो यहां लिख सकते हैं Si अपॉन सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम वन टू एन क्या लिखेंगे एस आई अपॉन बी आई क्या लिखेंगे एस आई अपॉन बी आई। तो देखिए प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग सोल्यूशन हम लोग का मिला क्या मिला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल है तो टोटल डिस्टेंस एस वन प्लस एस टू सबको आया पहले टाइम फाइंड कर लिया हमने एस वन अपॉन बी वन तो टाइम को हमने यहाँ रख के कैलकुलेट कर लिया राइट। अब देखिए स्पेशल केस में अगर हम लोग बात करें इसमें लिखेगा If क्या लिखेंगे if S1 S2 डॉट S n इक्वल टू S यानी इसमें जो सब डिस्टेंस है वो सबके सब क्या अपने इक्वल है राइट। फिर देखिएगा क्या हम लोगों ने लिखा सब डिस्टेंस इक्वल है क्या लिखा हुआ सब डिस्टेंस एक स्पेशल केस है एस वन एस टू डॉट एस एन सब के सब क्या लिखा हुआ एस के इक्वल लिखा तो इसमें आप पुट करिए पुट करते ही आपको बी एवरेज मिलेगा एस वन क्या लिखेंगे एस प्लस एस डॉट डॉट एस कितने टाइम्स एन टाइम्स राइट अपॉन एस अपॉन बी वन एस अपॉन बी टू डॉट डॉट एस अपॉन बी एन एन टाइम्स। तो एक बात रहेगा यहाँ से क्या काम रखना मतलब अगर हम सम करें तो ये हम लिख सकते हैं एस और नीचे एस कॉमन होकर के वन अपॉन बी वन वन अपॉन बी टू डॉट वन अपॉन बी एन एस एंड एस कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं रिवर्स लिखते ही क्या लिखेंगे बी ए बी जी इक्वल टू देखिए एन न्यूमिनेटर में है तो किधर आएगा डिनोमिनेटर में फिर ये ऊपर जाएगा अपना वन अपॉन बी वन वन अपॉन बी टू डॉट वन अपॉन बी एन ये हम लोग का एक फार्मूला बन गया है स्टैंडर्ड फार्मूला वन अपॉन बी एवरेज इक्वल टू वन अपॉन एन ब्रैकेट में वन अपॉन बी वन प्लस वन अपॉन बी टू डॉट वन अपॉन बी एन राइट। तो देखिए गाइस कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इससे रिलेटेड फिर सेकंड पेज देख के हम लोग कॉपी करें फाइल आप भी नोट करें देखिएगा एग्जांपल देखते हम लोग सपोज करिए आप पार्ट के अट्रेन डिस्टेंस ट्रेबल यानी हाफ डिस्टेंस से ट्रेबल बी वन स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ बी टू स्पीड से देखिए अब कार है अट्रेन ए टू बी ट्रेबल कर रही है ए टू बी इनमें से हाफ डिस्टेंस जो है बी वन से ट्रेबल कर रही है कितने से बी वन से एंड सेकेंड है वो बी टू से ट्रेबल कर रही है यानी पार्टिकल ट्रेवल ए टू बी एंड हाफ डिस्टेंस ट्रेवल बी वन एंड सेकेंड हाफ बी टू से तो अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं हम अगर बी का लेट ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस टू एक्स कंसीडर कर लिया कितना कर लिया टू एक्स तो ये बताइए ये डिस्टेंस कितना बचेगा हम लोग एक्स और ये कितना मिलेगा एक्स ये देखिए ऐसा इसलिए हम लोगों ने टू एक्स लिया क्योंकि डिवाइड करने में इजी हो जाएगा आप x लेते तो x by 2 लिखना पड़ता हम लोग x by 2 राइट तो देखिए ऐसे लिख लिया हम लोगों ने तो देखिए एवरेज स्पीड पूछी जा रही है एवरेज स्पीड क्या होगा एवरेज स्पीड बताइए तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के लिए फार्मूला टोटल डिस्टेंस कितना लिखेंगे बेटा 2x थोड़ा स्पीड बढ़ाइए राइट सुस्ती नहीं करना 2x राइट
टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा, टी वन सपोज तो टी वन क्या लिख सकते हो एक्स अपॉन बी वन प्लस नेक्स्ट एक्स अपॉन बी टू, देखिए टू एक्स अपॉन एक्स वन अपॉन बी वन प्लस वन अपॉन बी टू कैंसिल आउट हुआ, एलसीएम लीजिए फर्स्ट, तो देखिए एलसीएम सॉल्व करिए तो सॉल्व करने पर आपको बी एवरेज क्या मिला 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2, ये आपको क्या मिल रखा एवरेज स्पीड, क्या मिला एवरेज स्पीड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, देखिएगा सपोज करिए सेकंड एग्जांपल देखिएगा हम लोग, सपोज करिए आप पार्टिकल मूव a टू b विद स्पीड b1 देन कम वेयर दैट सेम पॉइंट एंड कम बाय सेम पॉइंट फाइंड एवरेज स्पीड, यानी कम बाय सेम पॉइंट विद स्पीड b2 राइट, ये गया तो b1 से एंड रिटर्न हुआ कितने से हुआ b2 से फाइंड एवरेज स्पीड। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2b1 b2 बार b1 प्लस b2 इजी है, कुछ है नहीं खाली कांसेप्ट आपको माइंड में रखना। तो देखिए a टू b जा तो रहा b1 से एंड रिटर्न हो रहा कितने से b2 से, आपसे क्या पूछा गया एवरेज स्पीड क्या होगा,